जी जरा बात अब करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े दावों की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार ये बात दोहरा रही है कि सन्नत को परवान चढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए जामिया हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है और मकामी सन्नतकारों की हिम्मत की दाद देने के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए मजीद कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन खबर जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो याद रखिएगा यह खबर इंतहाई अहम है क्योंकि मामला फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स कश्मीर का है जिन्होंने तहरीरी बयान जारी करते हुए काफी संगीन इल्जाम हुकूमत पर लगाए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जो बातें सामने रख रहे हैं इनकी वजाहत भी हो। कहा जा रहा है कि जानबूझकर एमएसएमईज की खिदमात को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रोक्योरमेंट के मामले में जो छोटी छोटी सन्नतें हमारी है, एमएसएमईज है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और गवर्नमेंट अपनी ही सर्कुलर को वायलेट कर रही है। यानी सरकार का जो ऑर्डर था कि जनाब जो एमएसएमई जम्मू कश्मीर की है उनको जब काम दिया जाए उनसे काम लिया जाए ताकि वो सन्नतें चालू रहें, लेकिन खबर ये है कि इस वक्त उस ऑर्डर की भी धज्जियां जो है वो बिखेरी जा रही हैं। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जिस तरीके के इकदाम किए जा रहे हैं तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर भी सवालिया निशान फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उम्मीद उन्हें यह जरूर है कि जनाब चैम्बर जो सवाल उठा रहा है, इंडस्ट्री जो सवाल उठा रही है, यह सवाल सही है क्योंकि हम जब उसके बयान को पेश नजर रखते हैं तो उनका मानना कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिनके लिए सरकार ने यह लाजमन करार दिया था कि 25% टोटल ओवरऑल एनुअल प्रोक्योरमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है जी वो एमएसएमई से लिया जाए और एनमार्क इस सिलसिले में काफ़ी कुछ किए गए थे, ख्वातीन जो एमएसएमईज हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब आज के दिन में एनआईटीज खोली जा रही है, जब आज के दिन में काम किया जा रहा है तो बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के एमएसएमईज को, जिसकी वजह से सन्नत के साथ जुड़े लोग इंतहाई परेशान कुन हालात में इस वक्त फंस रहे हैं। मजीद जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एफसीआई के फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है वो मुतालबा क्या कर रही है और हुकूमती सतह पर जो वादे किए जा रहे हैं क्यों उन पर शक शुबात की नजर से देखा जा रहा है, इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बड़े दिनों बाद मारूफ तजिया निगार और इंडस्ट्रियलिस्ट शकील करंदर साहब आज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमईज की जब हम बात करते हैं और फिर वर्क कल्चर की जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर बात करते हैं तो कई बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार जो खत किताबत आपकी तरफ से, आपके इदारे की तरफ से शुरू किया गया है इंतजामिया से, क्या हम ये समझे कि मुकम्मल तौर पर एमएसएमईज को नजरअंदाज किया गया जम्मू कश्मीर में? देखिए गौर साहब, यहाँ पे जो एक मार्केटिंग की जो स्कीम चल रही थी तो यहाँ के एमएसएमईज को सीकॉप एक इदारा था तो उसकी तवसत से उनको मार्केटिंग कवर दिया जाता था और जितने भी यहाँ पे जरूरियात जो इदारे हैं गवर्नमेंट इदारे उनकी निकलती थी तो वो सारी की सारी जो है वो सीकॉप को या फिर सीकॉप से अलग टेंडरिंग के जरिए एमएसएमईज को उनका ऑर्डर दिया जाता था। लेकिन एक ऑर्डर के तहत, सेंट्रल ऑर्डर के तहत जेम पोर्टल के से खरीदारी करने का एक मंसूबा बनाया गया और रियासत जम्मू कश्मीर को भी उसमें शामिल किया गया था रिऑर्गेनाइजेशन से पहले ही, कि यहाँ पे भी ये लोग जो है यहाँ के इदारे भी जेम पोर्टल से ही अपनी खरीदारी करें और वो सिलसिला फिर उसके बाद भी चलता रहा और आज की डेट में ये हालत है कि यहाँ का लोकल जो मैन्युफैक्चरर है जम्मू का हो या कश्मीर का हो वो मुल्क के बकाया जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। बहुत सारी वजूहत है जिसमें तफसील के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हम टेल एंड पोजीशन पे है और यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं या किस तरह की है तो हमारे हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उनकी निस्बत बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम उनके साथ मुकाबला आरआई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और ऑर्डर निकला था 2019 में ही 20% हम रिजर्व रखेंगे एमएसएमईज के लिए, जितने भी काम जितनी भी जरूरियात गवर्नमेंट इदारों को हुआ करेगी उसमें से 20% वो एक हदफ मुकर्रर किया गया कि वो 20%
एमएसएमई से ही खरीदारी करेंगे और फिर उस 20% को इस साल 2023 में उसको 20 से 25 कर दिया गया। 25% यानी लाजमी तौर पर जो सरकारी इदारे हैं उनको जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी उसमें से 25% उनको मतलब एमएसएमई से खरीदना मतलूब होगा। लेकिन देखा गया ये है कि यहाँ के इदारे इस ऑर्डर को बिल्कुल सिरे से ही इग्नोर करते आए हैं और एमएसएमई को किसी तरह से भी वो फायदा पहुंचाते नहीं है। और अभी जितनी भी टेंडरिंग हो रही है उसमें वो उनको एक मैनिपुलेशन के तहत उसको एक जॉब ऑर्डर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर बनाते हैं और उसमें प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग का एक जोड़ के, जैसे कोई आपके पास कोई एक बेंच की जरूरत है तो उसको आप बेंच नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं कि प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बेंच आप करें जी। यानी उसमें फिर दो तीन कील लगाने हैं नीचे उस बेंच को और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको, तो उससे एमएसएमई को वो निकालना उनके लिए आसान हो जाता है। और उसमें क्वालिफिकेशन जो वो कहते हैं कि टेंडर कौन भर सकता है, वो जी कॉन्ट्रैक्टर भर सकता है, ABC जो भी क्लासिफिकेशन होगी वही लोग भर सकते हैं। और ये हमने अब मामला उठाया है गवर्नमेंट के साथ कि ऐसा क्यों कर है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि अपने सबॉर्डिनेट दफ्तर जो उनके हैं वो किस तरह से इसको गवर्नमेंट ऑर्डर को वायलेट कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि 25% की खरीदारी लाजमी तौर पर एमएसएमई से ही करना है, तो उनको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हमने ये आप गवर्नमेंट के सामने ये सारी बातें लाई हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस पर सीरियसली गौर करेगी और फिर इस पर कोई एक्शन लेगी उन इदारों के खिलाफ जो ये वायलेशन करते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। तो कलंदर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, तो ये मैं ये समझूं कि पॉलिसी में कोई गलती नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटियां जो हमारी हैं एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर वो ये जानबूझकर कर रही हैं या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लगाते हैं कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पे वो मेरे ख्याल में एमएसएमई से शायद वो उनका वो तालमेल उतना नहीं अच्छा है, वो चाहते हैं कि हर एक चीज में कॉन्ट्रैक्टर्स ही आ जाए। और फिर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को जब टेंडर निकालते हैं वो प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग के नाम के तहत, और फिर कहीं कहीं पे दोनों को ये ओपन रखते हैं कि एमएसएमई भी कोट कर सकता है और फिर एक कॉन्ट्रैक्टर भी कोट कर सकता है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ से खरीदना है, प्रोडक्ट तो बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही होगा उसको तो वहीं से खरीदना है वो आइटम जी। लेकिन जब मुकाबला आ रही होती है टेंडरिंग में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर जीत जाता है। और इसके पीछे क्या वजह है, उसके बाद देखा गया है कि सब स्टैंडर्ड और जो क्वालिटी लो क्वालिटी आइटम्स है या फिर डिविएशन जो हो जाती है स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन से जी, वो फिर सामने आ जाती है। हमने देखा है कि यहाँ पे देवदार के नाम पर कितनी ही चीजें यहाँ बन रही हैं और उसमें टेंडर में देवदार टिम्बर का इस्तेमाल जो है लाजमी करा दिया गया था, लेकिन उसकी बजाय बाहर से आया हुआ कि वो रिजेंबल कर रहा है देवदार टिम्बर के साथ वो टिम्बर लगाई गई है जो इम्पोर्टेड टिम्बर आजकल आ रही है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे कारखाने हैं, कोई 200 कारखाने हैं जो बिजली के इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे आपके पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर बनाने वालों को एक विग्रेस टेस्टिंग के जरिए जो है माल खरीदा जाता है, बड़ौदा उनको लेना पड़ता है सामान, वो वहां पे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होती है तब जाके वो डिपार्टमेंट को डिलीवर करते हैं। लेकिन जब उसको प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग के तहत कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है तो उसमें कहीं मुझे लगता है कि कहीं पे वो टेस्टिंग का कोई तस्वीर ही नहीं रहता है फिर, ये टेस्टेड मटेरियल आपके पास आया या नहीं आया जी। हम कोटा स्टोन यहाँ पे लगाया गया है जबकि टेंडर में लिखा गया था कि देवरी स्टोन, ये अभी हाल ही में जो स्मार्ट जो अभी स्मार्ट स्टील चल रहा है जी जी,
उसमें टेंडरिंग में ये था कि और अलॉटमेंट ये हुई थी कि यहाँ की देवरी स्टोन उसके ऊपर टाइल्स लगेंगी, लेकिन देवरी स्टोन टाइल्स की बजाय उसमें कोटा स्टोन राजस्थान से लाया गया वो लगाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, हमने हुकूमत की तवज्जा उनकी तरफ मंजूर कराने की कोशिश की है और होपफुल है, उम्मीद है कि इसका सीरियस नोट्स लिया जाएगा और उन तमाम इदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑर्डर का वायलेशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि पिछले 2-3 साल में जो कारखानों की हालत रही है वो नागुफ्तगी है, और यहाँ पे कारखाने सिर्फ इस वजह से बैठ गए हैं कि उनके पास खरीदार नहीं है, उनके पास मार्केटिंग नहीं है, और वो जो मार्केटिंग वो होनी चाहिए थी वो कोई और ले रहा है उनके, जो उनके लिए रिजर्व भी रखा गया है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को नए सिरे से इसके ऊपर गौर करना चाहिए और कोई ऐसा मैकेनिज्म उसमें मुरतब करना चाहिए जिससे यहाँ के कारखाने जो है उनको मार्केटिंग कवर मिलता रहे और आवाम मतलब और इदारों को भी एक अच्छी क्वालिटी का सामान जो है मुनासिब दामों पर मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील कलंदर साहब, मारूफ तजिया निगार और स्पेशली चैम्बर फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के एडवाइजर रूम में आप भी हैं, साबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी ये तमाम मामलात सामने रखने के लिए कि जो छोटी छोटी एमएसएमईज हमारी है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर उन पर ताला बहुत जल्द चढ़ सकता है क्योंकि हालात इस तरीके के बन रहे हैं कि सरकार का जो अपना फैसला था कि कितने परसेंट आपने एमएसएमई से खरीदा है वो डिबेट हो रहा है वो ऑर्डर, और बाहर के ठेकेदारों को ऑनलाइन लेकर उनके साथ टाई अप करके काम को किया जा रहा है, देवदार के बदले उस जैसी लकड़ी को लगाया जा रहा है, दीवर के बदले राजस्थान के टाइल्स को लगाया जा रहा है, ये मिसालें ऐसी हैं जो सामने रखी गई हैं। उम्मीदें लगाई जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और स्पेशली महकमा सन्नत के साथ जो वाबस्ता जिम्मेदार है वो इस मामले की नजाकत को समझे क्योंकि ये मामला एक का नहीं है, हजारों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चला तो हजारों लोग बेयारो मददगार रह सकते हैं श्रीनगर के अंदर शरीर बेरोजगारी में।